अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूँ मखंडी हलवा। ये हलवा जो है स्पेशलिटी है मियावाली, चकवाल और तलागंग साइड की। और कैसे बनाऊंगी मैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। मखंडी हलवा के लिए जो सबसे पहले चीज़ चाहिए वो है सूजी। सूजी मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप, और ये 1 कप सूजी आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो के रख दी थी। चीनी हमें चाहिए तकरीबन 3/4 कप। वैसे तो रेशियो 1 कप सूजी और 1 कप चीनी होता है, लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा मीठा कम खाती हूँ, तो मैं 3/4 कप लूँगी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप मीठा ले सकते हैं। चीनी, ऑयल इसमें जाएगा तकरीबन 1/2 कप। ऑयल की जगह आप इसमें घी में घी भी डाल सकते हैं। और ये जो है मैंने तकरीबन 1/2 कप के बराबर घी लिया, सॉरी ऑयल लिया है। आप चाहें तो इसमें घी डाल सकते हैं। किशमिश मैंने लिए हैं तकरीबन 5 टेबलस्पून्स के बराबर। 2 टेबलस्पून्स के बराबर मैंने इसमें बादाम लिए हैं और 2 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं। एक कढ़ाई मैंने ली है और इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप वाटर डाल दूंगी, 1 कप पानी, और 1 कप पानी के साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें चीनी। और अब हम इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट ना हो जाए। चीनी जो है वो तकरीबन घुल चुकी है अच्छी तरह। अब मैं इसके अंदर 2 अदद इलायचियां डाल दूंगी। और ये जो हलवा है ये मियावाली, चकवाल और जो तलागंग साइड है ये वहाँ की जो है ना स्पेशलिटी है। और मैंने ये हलवा जो है वो अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उनके घर खाया था। वो तलागंग के हैं और उनकी मदर इन लॉ ने जो है मुझे ये रेसिपी दी थी। तो ये अब आप देख सकते हैं पानी इसका जो है, इसमें पानी में चीनी जो है वो घुल चुकी है, मीन्स हमारा शीरा जो है ना वो घुल चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऑयल, और ये ऑयल डाल लेने के बाद हम इसको पकाएंगे और इतना पकाएंगे कि ये जो चीनी है इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऑयल जब गर्म होगा तो वो चीनी को पकाना शुरू कर देगा, क्योंकि अभी तो हमें चीनी नज़र नहीं आ रही, तो चीनी जो है ना वो कैरमलाइज होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको बहुत डार्क कलर का खाना है तो आप इसको ज़्यादा देर पकाएंगे ताकि जो इसका जो शीरा है या सीरप है ये जो है ये डार्क कलर का हो जाएगा तो ज़्यादा डार्क कलर का हलवा बनेगा। अगर कम डार्क कलर का होगा तो कम डार्क कलर का बनेगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डार्क पसंद नहीं है, तो मैं अब इसको इतना ही बनाऊंगी कि वो ऑफ वाइट से कलर का हो जाएगा। इतना ही इसको मैं घोलूंगी। अब आप देख सकते हैं चीनी जो है वो अब ऑयल जैसे ही गर्म होना शुरू होगा तो चीनी का अपना कलर चेंज करना शुरू करेगा। ये चीनी जो है इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया है ऑयल के साथ मिक्स होके। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये जो सूजी है और हमने भिगो के रखी थी वो इसके अंदर चली जाएगी। और मैं इसे उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये पानी जो है ये खुश्क हो जाएगा और जो सूजी है ये अच्छी तरह से भुन जाएगी। ये शुरू में आपको लगेगा कि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको एंड में फील हो कि ऑयल बहुत ज़्यादा है तो ऑयल आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब इस पॉइंट पे आपने ऑयल नहीं निकालना क्योंकि इस पॉइंट पे हमने सूजी को ऑयल के साथ पकाना है। एंड में ये मोस्टली जो है वो सूजी जो है ऑयल चूस लेती है, तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, लेकिन अभी इस पॉइंट पे जब मैंने इसमें नई ये सूजी डाली है तो फील होता है। उसके बाद ये होता है कि पानी एवेपरेट हो जाता है और चीनी और जो ऑयल है या घी है वो सूजी के अंदर चला जाता है और जो हलवा है वो जो है अपनी फॉर्म कर देता है शक्ल, और इतना ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा। तो पानी जो है इसका एवेपरेट करना है, हमने अच्छी तरह से एवेपरेट करना है, और इसके लिए आपने एक फॉर्म चम्मच लेना है। बहुत ज़्यादा नॉनस्टिक वाला जो हल्का सा चम्मच होता है वो इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि ये हलवा जो है इसमें आपकी मसल पावर जो है ना उसका बहुत शदीद किस्म का इम्तिहान होता है। अगर आप इसको नॉर्मल चम्मच से करेंगे तो आपका हाथ बहुत थक जाएगा। अब मैं इसको देख सकते हैं किस तरह से घुमा रही हूँ,
एंटी क्लॉकवाइज और मैंने एक अच्छा फर्म चम्मच लिया है। अब मैं पकाती जाऊंगी जब तक इसमें से पानी कम होगा और ये अच्छी तरह भुन जाएगा। और एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि हलवा बनाते हुए ना आपने इसको छोड़ नहीं देना, आपने इसको मुसलसल बनाना है, चाहे वो कोई भी हलवा क्यों ना हो, क्योंकि हलवे के लिए आपको हलवे के साथ खड़े रहना बहुत मस्त है, वरना हलवा जो है ना फौरन जलना शुरू हो जाता है। और इसके साथ आप कोशिश करें कि आप वॉकले जिसका एक लंबा सा दस्ता होता है जिसे आप आराम से पकड़ के इसको हैंडल कर सकते हैं, कढ़ाई लेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि वॉक ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये आप देख सकते हैं मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ। और ये रेसिपी मैं अभी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आगे आने वाली है विंटर्स, सर्दियों में जो है ये हलवे वगैरह जो है ना बड़े मज़े के लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो हम इतने हलवे खाते नहीं हैं, तो सर्दियों में ये होता है कि इन हलवों का टेस्ट ही जो है ना वो मज़े के लगते हैं, विंटर्स हो, हीटर लगा हुआ हो और आप हलवा खा रहे हो, तो ये है इसलिए मैं ये हलवे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप विंटर्स में अपनी फैमिली के लिए बना सकें। तो अब मैं इसको भूनती जाऊँगी। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बादाम, जो किशमिश है वो अभी हम नहीं शामिल करेंगे वरना वो जो है जलना शुरू हो जाएंगे, तो बादाम शामिल करके हम इसे भूनेंगे। कुछ लोगों को जो है वो थोड़ा सा जो ऐसा, अब ये जैसे मैं भून रही हूँ इस पॉइंट पे ये अच्छा लगता है और वो इसको निकाल देते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ड्राई पसंद है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। अब इस पॉइंट पे आपने देख लिया कि मैंने इसको भूना है तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये सारी किशमिश, और ये किशमिश मैंने धो के इस्तेमाल की है, धो के ड्राई करके, क्योंकि किशमिश जो है ना वो सुखाते हुए यहाँ तो कोई भी नहीं वॉश करता, तो आपने इसको जब भी इस्तेमाल करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से धो के सुखा लेना है। जैसे अभी मैंने ये हलवा बनाना था तो मैंने सुबह धो ली थी और मैंने इसे छोड़ दिया था पंखे में, तो ये बड़े आराम से सूख गई थी। और ये जो है अब मैंने जब इसमें डाली है तो अब ये फूलना शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकानी है क्योंकि ये एंड वाले पॉइंट पे जाती है, एंड पे जब हलवा रेडी होने लगता है तब जाती है, क्योंकि ये किशमिश जो है ना बहुत नाजुक होती है और ये जलना शुरू हो जाती है। और इसको थ्रू आउट मैंने मीडियम फ्लेम पे पकाया है, बहुत हाई नहीं, मीडियम टू लो पे पकाया। तो जी हमारा हलवा रेडी हो गया है। हाँ जी, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी मखंडी हलवा, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत इजी एंड क्विक रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर किसी को ये रेसिपी चाहिए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर पसंद आती है तो लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।